वेलकम इन सीमर फैमिली। नमस्कार जी सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ से मैं अपना व्लॉग शुरू करूँगी। आज बच्चे जान लग रहे हैं स्कूल, ये बच्चों का टाइम हो गया स्कूल जाने का। सबसे पहला काम यही है सुबह उठ का ही बच्चों को रेडी करना और स्कूल भेजना। तो यहाँ बच्चे चले गए स्कूल, सिमर भी चली गई, सिमर लेट हो गई थोड़ा सा 5 मिनट, तो इसी बच्चे चले गए स्कूल। हेलो जी, राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है आपका सिमर की फैमिली में। तो आज यहाँ अब हो रहा है हमारा नाश्ता। हमने नाश्ते में बनाई है आज मेथी की रोटी, मेरी फेवरेट। और यहाँ जाट साहब भी दिखाती है, दीदी देखो यहाँ खाना खा रही है। और जाट साहब भी दिखाओ, जाट साहब जी हेलो कर दो मेरे फ्रेंड्स को। तो जाट साहब जी को पसंद आ दही के साथ नाश्ता, और हम यहाँ खा रहे हैं मक्खन के साथ मेथी की रोटी। ये रखा हमारा यहाँ दूध। तो मिलेंगे आप नो काम वेड़ का, इवेल आधा काम पड़ा आधा रह रहा। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने सुबह व्लॉग शुरू कर दिया था, लेकिन और फ्रेंड सबसे पहले बात मेरी ये कि आप मेरी लैंग्वेज नो इग्नोर करे करो, क्योंकि मैं घर में दो ही लैंग्वेज मिक्स हो रही है मेरी, बच्चों के साथ शुद्ध हिंदी और जो हम वापस में घर में यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज, वो हमारी देसी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो आप मेरी लैंग्वेज नू करे करो इग्नोर। कभी मैं शुद्ध हिंदी भी चल जाऊँ, क्योंकि वो हैबिट डल रही है बच्चों के साथ भी बोलने की और अपने घर में ही बोलने की। तो इस करका मेरी लैंग्वेज मिक्स ही रहेगी, तो इसमें कोई सुधार नहीं आने दिखने का आप। तो ठीक है, तो बातचीत करते हैं आज के व्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने कल कमेंट में पूछा था, परसों वाले कमेंट में सॉरी, पूछा था एक फ्रूट का नाम। तो दो मेंबर ने मेरे को उसका रिप्लाई किया। उन्होंने एक है जो विक्रम सिंह जी मछोंडा से, वो लगते हैं मेरे जीजू। बहुत बहुत धन्यवाद जीजू, आपने फ्रूट का नेम बताया, कमेंट किया अपना टाइम निकाल के। और उन्होंने बताया ड्रैगन फ्रूट। और दूसरे हैं सुनील वालिया जी, आपका मेरे को गांव नहीं पता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने कमेंट किया ब्लॉग में, फ्रूट का नेम बताया। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी मेरे को, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला ट्रैक्टर के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं अभी काम निपटा का बैठी थी, तो अभी मेरा काम हो गया फिनिश। क्यों, और लंच का मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं करा। जो मैं रेसिपी बनाऊंगी वो मैंने आज करनी है आपके साथ शेयर, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ बैठी थी थोड़ा रेस्ट के वास्ते, कि सुबह का काम न बेड़ का बैठी, मैं क्या रेस्ट कर ली, थोड़ी सी धूप लगा ले, उसके बाद तो अपना दोपहर का खाना स्टार्ट करूँगी। अभी तक मैंने कुछ भी कोई तैयारी नहीं करी। और आज भी दीदी ने जाना पड़ गया दवाई लेन, थोड़ा सा एक टेस्ट होना था आज फिर, तो वो टेस्ट करवाने गए हैं दीदी, आने वाला ही है, थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे व्लॉग्स नू, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप मेरे व्लॉग नू प्यार देते रहना। और अब मैं यहाँ बैठी हूँ, फ्री हूँ, तो मैं क्या चल थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ बात कर ले, व्लॉग बना ले अपना। तो मैं बनाऊंगी खाना, और जो मैं बनाऊंगी रेसिपी आज वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं रेसिपी के साथ। और दीदी आ गई दवाई लेकर, सब कुछ ठीक है, और ये जा रहे हैं हम रसोई में सब्जी की तैयारी, खाने की तैयारी करन। तो जो मैं बनाऊंगी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो चलो जी। यहाँ कर ली मैंने सब्जी की तैयारी, कटल मैंने लिया काट, प्याज काट लिया 4-5 मैंने प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन और प्याज मैंने चॉप कर लिया, और वही बस सिंपल तड़का जैसे आप सब्जी में तड़का लगावा, तेल डाल दिया, तेल हो गया मेरा गरम। बनावा तो इसनों दो तरीके थे यहाँ, एक तो तरीका ये है कि सिंपल मैंने चीर ली और बस तड़क दी, सिट्टी मरवा दी। दूसरा तरीका इसका यो आ, मोटे पीस काट का इसके और उन्हें फ्राई कर ले, तो उसके बाद तड़की जहा। मैंने फ्राई तो नहीं करी क्योंकि फिर वो हैवी हो जाता ना, फिर वो दीदी ने भी नहीं खाना, फिर नुकसान करा, इस करके मैंने दीदी करके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। चलो करना पड़ा है तो
मैं करती हूँ अपनी सब्जी नू शुरू। सिंपल तड़का लगा दिया मैंने, डाल दिया मैंने प्याज, इन थोड़ा सा ब्राउन करूंगी पहला। प्याज अदरक वगैरह पाया था जो, वो गया ब्राउन। ये मैं डाल रही हूँ यहाँ सब्जी कटहल की, कटा कटाया भी मिला है और वैसे साबूत भी मिला, मर्जी हुआ जैसे मर्जी ले ले इसने। और इसनो हमेशा ना देसी घी के साथ ही खाइयो, क्योंकि तो ही अच्छा लगेगा। मैंने तो कभी खाए नहीं बिना देसी घी के, बहुत अच्छा लगा, पर इसका टेस्ट देसी घी के लिए आवा ज़्यादा। आप भी इसनों देसी घी के साथ ही खाना डालता, वर होता ना वैसे सूखा सूखा सा लगा यो। नमक अनुसार, स्वाद अनुसार नमक बहुत आ, दो चमचे तो हाँ अपना तेज खाना पाले डाई पाले। भाई मारा तो खावा तेज लून मिर्च नू ना कही इतनी इतनी मिर्चा खावा हल्की मिर्च। दीदी दवाई लेकर आई है डॉक्टर ने, भी नहीं बताया भी जितना ज़्यादा हो सका नमक खा, क्योंकि इसका बीपी ना लो रहन लग गया, दो दिन दिनों में लो रह रहा। तो डॉक्टर ने बोलिया नमक तेज खाने नू, तो ये वहाँ बन गई कटहल की सब्जी। वैसे तो जिस टाइम इनू फ्राई करके बनावेंगे तो सिटी कम लगा गया ना दीदी, सिटी नहीं हो तो वैसे ही हो जाए, बस थोड़ी सी बाँह परोखी वैसे ही हो जाए, क्योंकि वो फ्राई कर दो ना गल जा, और इसनों लगवानी पड़ेगी सिटी। हाँ ये तो एक ही सिटी में हो जा, पर खाने में बहुत स्वाद लगा। धनिया हमारे यहाँ तो बहुत अलग अलग डिशा बना सब्जियाँ थी, जिन्होंने पूछनी हो ना भी किस चीज़ की सब्जी बनानी है मैंने पूछ लेकर मैं सारी चीज़ें मैं एक्सपर्ट होगी। जीविकंद और ये कटहल तो मशहूर है हमारे यहाँ, ईब के सियाड़े सारे चले मशरूम मटर, इस सियाड़े तो मटर मशरूम चले। देखने वाली बहुत सोहना लग रहा है जी, कर रहा हाँ देख कर। बड़ी की सब्जी कटहल की देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने में बढ़िया लग, खाने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है, देखने देखने में। ये मैं तो कोई सब्जी करूँगा गर्म डब्बे में काट कर धर दी हूँ, जब मर्जी खाई जाओ। और यहाँ जी हम बैठ के खाना खान, तो मैं आपनों दिखा दियो सब्जी बहुत ही स्वाद बनी है। यो देखो सब्जी कटहल की, और मैं हमेशा ना रोटी के लो अमरूद खाऊंगा, आप भी खाइयो अमरूद रोटी के लो, बहुत बढ़िया लगा मन तो बहुत स्वाद लगा रोटी के लो अमरूद, दो रोटियां फालतू खा लूँगा मैं अमरूद के लो। चलो जी रोटी खा लिया, फिर मिलेंगे आपनों थोड़ी देर में। और जी ईब आ गए बच्चे स्कूल में थे, और देखो बच्चे ने कितना क्या क्या बुरा हाल करे, न वो देख फोन लेकर पड़िया सीमर इबियाल रोटियों खा रही है, विधान अपना रोटी रोटी खा का बेला होगा, गन्ना चूस रहा, गन्ना चूसना देख ले इसका, और गन्ना नहीं चूसे करा। अरे यहाँ दीदी भी चूस रही है गन्ना, आज मैंने चाय नहीं पिया, मैं गन्ने का मूड हो रहा है, चाय कैंसिल आज मन नहीं करा चाय पीने का, बच्चा खाना बनाया था बस उसके बाद गन्ना खाना शुरू कर दिया यहाँ। ये देखो नहीं
इब टाइम हो गया रात के खाने का, तो मैंने यहाँ शुरू कर दिया रात का खाना। इतनी मोटी मोटी रोटी, ये है हमारे टॉम जेरी की, हम नहीं खाते इतनी मोटी। एक गैस पर रख दिया दूध, एक गैस पर लग दी दीदी रोटी, दीदी पकावेगी, मैं बच्चे नु खिलाऊंगी, तो इसलिए निपट जाएगा काम। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। और देखो हमारे टॉम जेरी की रोटी कितनी मोटी मोटी, ये पेड़ा खंड।